दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो ओडीआई सीरीज का दोस्तों जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान अब दोस्तों अपग्रेड हो चुकी है और इनके खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पिछले मुकाबले में देखने को भी मिला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से जो कि इस मुकाबले में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें अफगानिस्तान की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं, और बॉलर्स को कैप्टन बनाए या बैट्समैन को। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। और ये मुकाबला 20 तारीख को खेला जाएगा दोस्तों, शाम में 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में ही ये मुकाबला होगा। और हालांकि दोस्तों ये उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन पिछला मुकाबला लो स्कोरिंग मैच हुआ। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला 10 यहां पर ओडीआई मुकाबला हुआ है, इसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम भी 5 बार जीती है, चेस करने वाली टीम भी 5 बार जीती है। ओवरऑल यहां पर लगभग 250 मुकाबले हुए हैं, लेकिन उतना मुकाबला नहीं देखा जा रहा है, केवल पिछले 10 मुकाबले देखा जाए तो दोस्तों टॉस उतना मायने नहीं रख रहा है। एवरेज स्कोर 230 का है, हाईएस्ट स्कोर यूएई ने बनाया है 348 का, लोएस्ट स्कोर दोस्तों साउथ अफ्रीका का है जो कि पिछले मुकाबले का ही है, और ये पिछले 10 मुकाबले का है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों पिछले 10 मुकाबले में 200 के नीचे 3 बार स्कोर बना है, 200-250 के बीच में 4 बार, 250 और 300 के बीच में 1 बार, और 300 के ऊपर 2 बार स्कोर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले मुकाबले में आप सभी को पता है कि दोस्तों अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत ही अच्छी हुई थी, तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड भी आप लोग देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पिछले 3 ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ है इसी ग्राउंड पर, जो कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए मात्र 106 रन बनाने पाई, और अफगानिस्तान 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेस करके 6 विकेट जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा मदद मिल रही है, और अफगानिस्तान उससे पहले दोस्तों यहाँ पर 117 रन से हराया था आयरलैंड को, और रिसेंट में आयरलैंड को दोस्तों 2 मुकाबले में हराया है 35 रन से। और सारे मुकाबले में देखा जाए तो स्पिनर्स को अच्छा खासा मदद मिल रहा है, हालांकि एक मुकाबले में फास्ट बॉलर ने भी 9 विकेट लिया है। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पिछले 3 मुकाबले में इस ग्राउंड पर अफगानिस्तान ही जीती है, क्योंकि पिछला सारा ओडीआई मुकाबला अफगानिस्तान यहाँ पर यही खेला है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं पिछले 3 मुकाबले मिलाकर देखा जाए तो टोटल फास्ट विकेट दोस्तों मिले हैं 20 फास्ट बॉलर को, और स्पिन बॉलर को 24 विकेट मिली है पिछले 3 मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको स्पिन बॉलर ज्यादा विकेट लेते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर भी और स्पिन बॉलर भी 11-11 विकेट लिए हैं, सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को 13 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा विकेट मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पर ओवरऑल स्पिन बॉलर पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है, खास करके दोस्तों अफगानिस्तान के स्पिन बॉलर राशिद खान के ऊपर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच 3 मुकाबले हुए हैं हेड टू हेड में, और ये ओडीआई का है दोस्तों। साउथ अफ्रीका 2 बार जीती है और पिछला मुकाबला अफगानिस्तान जीती है, तो इनका 1 हो गया है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इनका दोस्तों रिसेंट फॉर्म दोस्तों बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान अपना पिछला 3 मुकाबला रिसेंट में लगातार जीत करा रहा है, और 3 का 3 मुकाबला इसी ग्राउंड पर जीता है ओडीआई का। और साउथ अफ्रीका पिछला 5 में से जो ओडीआई मुकाबले खेले हैं केवल 1 मुकाबला जीते हैं, और दोस्तों पिछला मुकाबला तो हारे ही हैं। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और अफगानिस्तान तो आपको पता ही है कि अब कोई भी टीम को हरा दे रही है T20 वर्ल्ड कप के बाद। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में आर गुरबज के साथ रियाज हसन ओपनिंग किए थे, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही थी। फिर रहमत शाह आए थे, हसमतुल्ला शहीदी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अजमतुल्ला उमर जाई, फिर मोहम्मद नबी आएंगे, गुलाबुद्दीन नई, फिर यहाँ पर खटोरे को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था जो कि स्पिन बॉलर हैं, और राशिद खान, फिर आला, यहाँ पर गजम्फर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फैज़ फारूकी। तो दोस्तों ये रहेगी अफगानिस्तान की प्लेइंग 11। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ ये बोल दूँ कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद सारे अपडेट्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और जो मैच की वीडियो में भी नया अपलोड करता हूँ उस मैच की भी आपको यहाँ पर स्टैट्स मिलते रहेगी। और मैं आप लोग से बस ये बोल दूँ कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के जो प्लेइंग 11 है सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओपनर्स के ऊपर।
तो आर गुरबच और रियाज हसन ओपनिंग करेंगे। पिछले मुकाबले में आर गुरबच तो फ्लॉप हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मुकाबले में फ्लॉप होंगे। उससे पहले 51 रन, 121 रन, 48 रन रिसेंट में ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। रियाज हसन पिछले मुकाबले में स्टार्ट थोड़ा बहुत इनको अच्छा मिला था, 16 रन ही बनाने पाए थे। रिसेंट में इनका ज़्यादातर फ्लॉप परफॉर्मेंस है। तो टॉप ऑर्डर से रियाज हसन को आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, यहाँ पर आपको आर गुरबच के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आर गुरबच थोड़े से एक्सपीरियंस है, रियाज हसन नए खिलाड़ी हैं। रिसेंट में इनका ज़्यादा कुछ खास ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं है। रहमत शाह यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में मात्र 8 रन की ही पारी खेले हैं। रिसेंट में 65 रन, 63 रन, फिर दोस्तों 77 रन, 62 रन, 52 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो रहमत शाह को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो रहमत शाह यहाँ पर हमारे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर हजमतुल्ला शहीदी, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आप लोग इनकी जगह पर कोई और प्लेयर्स को रख सकते हैं, क्योंकि शहीदी का एक चीज़ मैंने देखा है कि बहुत ही संभाल कर खेलते हैं, और इसी कारण दोस्तों इनका ज़्यादातर मुकाबले में देखिएगा तो केवल दोस्तों ज़्यादा स्कोर बड़ा आपको देखते हुए नहीं मिलेगा। पिछले मुकाबले में ही मात्र 16 रन की पारी खेले, उससे पहले 69 रन, फिर 50 रन, फिर लगातार 4 ODI मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, फिर बहुत पहले 48-50 रन की इन्होंने पारी खेली है, तो ये उतने बड़े स्कोर नहीं लगाने पा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग एच शहीदी की जगह पर आप लोग एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स पर फोकस कर सकते हैं, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, और अजमतुल्ला उमरजाई, गुलाबद्दीन नईब और दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नबी, ये जो 3 ऑलराउंडर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ऑलराउंडर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और 3 में से मिनिमम 2 को तो आपको लेकर चलना है। अजमतुल्ला उमरजाई पिछले मुकाबले में 25 रन की पारी खेले, फिर गुलाबद्दीन नईब 34 रन की पारी खेले, और इन्होंने ही दोस्तों अंत में आकर मैच को जिताया था, टारगेट चेस किए थे। तो गुलाबद्दीन नईब का भी बैटिंग ऑर्डर पहले भेजा गया है, और मोहम्मद नबी पिछले मुकाबले में, तो दोस्तों मोहम्मद नबी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर शायद पिछले मुकाबले में देखा जाए तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं है, शायद इनको बैटिंग या बॉलिंग भी नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नबी की जगह पर आप लोग गुलाबद्दीन नईब और अजमतुल्ला उमरजाई पर फोकस करिएगा। हालांकि मोहम्मद नबी का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 48 रन, 5 विकेट, फिर 40 रन रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर अजमतुल्ला उमरजाई और गुलाबद्दीन नईब पर फोकस करना है ऑलराउंडर सेक्शन से। और इनके जो बॉलर हैं बॉलिंग में, तो आपको जैसे पता ही है जो बॉलर एक्सपीरियंस वाले हैं, जैसे राशिद खान आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, फैजल फारूकी सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनके पर आपको फोकस करना है। राशिद खान को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली, फैजल फारूकी के 4 विकेट, और जो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो एन कटोरे रहेंगे, और यहाँ पर ये गजम्फर, क्योंकि अभी आयरलैंड के खिलाफ एन कटोरे ने 3 विकेट और 4 विकेट की पारी खेली थी, भले पिछले मुकाबले में विकेटलेस रहे हैं, गजम्फर को पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली है, तो सभी लोग गजम्फर पर फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग एन खटोरे पर फोकस करिएगा, क्योंकि रिसेंट में आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसी ग्राउंड पर। अब ये होगी दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो ज़्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। आर गुरबच दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 रन ही बनाए हैं, 12 का एवरेज है। रियाज हसन 1 मुकाबले में 16 रन, रहमत शाह 3 मुकाबले में 40 रन, 13 का एवरेज है। हजमतुल्ला शहीदी 8 का एवरेज है, तो दोस्तों ज़्यादा टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है। अजमतुल्ला उमरजाई 122 का एवरेज है, नोट आउट रहे हैं। मोहम्मद नबी 2 मुकाबले में 2 विकेट, गुलाबद्दीन नईब दोस्तों 1 विकेट, 39 का एवरेज है, और राशिद खान का अच्छा है, 3 मुकाबले में 4 विकेट, और नीचे बॉलर में देखिएगा तो गजम्फर 1 मुकाबले में 3 विकेट, फैजल फारूकी 1 मुकाबले में 4 विकेट। तो ज़्यादातर यहाँ पर दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, 1-2 मुकाबले ही खेले हैं, तो उतना हेड टू हेड रिकॉर्ड मायने नहीं रखेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, तो अगर आप लोग देखिएगा तो इनमें से खेलने का किसी का भी चांसेस कम है, और दोस्तों पिछला मुकाबला अफगानिस्तान अच्छा जीती है, तो यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं कम ही चांस है कि खेलेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका का क्या रहेगा इस मुकाबले में प्लेइंग 11, तो बदलाव इधर से हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोनी डी जॉर्जी और रिजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करेंगे ही, मार्करम और ट्रिसाना स्टोप्स आएंगे मिडल ऑर्डर में, और टेम्बा बमुआ भी खेल सकते हैं, फिर काइली बेरनी आएंगे विकेट कीपर से, जेसन स्मिथ को खिलाया गया था पिछले मुकाबले में टेम्बा बमुआ की जगह पर, फिर वियान मुल्डर ऑलराउंडर से फ्लूक वायो, बॉलिंग से यहाँ पर फॉर्च्यून एंड बर्गर लुंगी निगेडी। तो इनका दोस्तों बैटिंग भी फ्लॉप रहा था पिछले मुकाबले में, बॉलिंग भी फ्लॉप रहा था, तो हो सके दोनों में बदलाव हो, क्योंकि अगर हारते हैं तो फिर ये दोस्तों सीरीज भी हार जाएंगे, तो इनके लिए बड़ा मुकाबला है। अब रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो इनके दोस्तों सारे प्लेयर्स पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। हैंड्रिक्स मात्र 9 रन बनाए थे, टोनी जी जॉर्जी 11 रन, एडन मार्करम 2 रन, फिर ट्रिसाना स्टोप्स 0 रन, फिर वेरनी 10 रन, फिर जेसन स्मिथ 0 रन।
तो सारे बैट्समैन इनका फ्लॉप हो गए थे। लास्ट में आकर दोस्तों वियान मोल्डर ने अच्छी पारी खेली थी और 52 रन की पारी खेली थी। अगर ये नहीं खेलते तो 50 रन के आसपास ही सिमट जाती पूरी साउथ अफ्रीका की टीम और फिर इनके लिए थोड़ा सा शर्मनाक बात होता। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हो सके इस मुकाबले में 200 के ऊपर 300 के ऊपर भी स्कोर कर जाए। तो टॉप ऑर्डर से आपको फोकस करना है रिजा हेंड्रिक्स के ऊपर, एडन मार्करम के ऊपर और ट्रेसान स्टॉप्स के ऊपर। ये जो तीन प्लेयर मैंने बताया, ये तीन प्लेयर भरोसेमंद हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। बाकी जो हमारे मेगा ग्रैंडली के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो टोनी डी जॉर्जी रहेंगे, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, 119 रन 81 रन, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। बाकी दोस्तों रिजा हेंड्रिक्स का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, मार्करम का भी ठीक ठाक है और ट्रेसान स्टॉप्स का भी अच्छा है। और लो ऑर्डर से बात करें तो दोस्तों काइल बेरनी को आपको तभी लेना है जब साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करे, जेसन स्मिथ को भी तभी लेना है जब आपको पहले बैटिंग करे और केवल मेगा ग्रैंडली की टीम में, क्योंकि ये उतना एक्सपीरियंस वाले नहीं है। रिसेंट में इनका ज़्यादातर मुकाबले कुछ खास गया नहीं है, भले जेसन स्मिथ 116 रन 65 रन की पारी खेले हैं, लेकिन ये दोस्तों उतने ज़्यादा जल्दी बैटिंग आते नहीं है और पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की जगह पर ये ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं करने पाएंगे। हालांकि वैन मुल्डर पर आपको फिर से फोकस करना है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। फ्लुकवायो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है तो आप लोग इनको रख सकते हैं। बाकी दोस्तों नीचे से देखा जाए तो बी फॉर्चून, एन बर्गर और लुंगिनिगिडी, इन तीन में से आपको दो को तो लेना है। अगर दोस्तों साउथ अफ्रीका जीतती है तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों टॉस तो दोस्तों तीनों को रख सकते हैं। बी फॉर्चून पिछले मुकाबले में 2 विकेट, एन बर्गर को विकेट नहीं मिली थी और लुंगिनिगिडी को 1 विकेट मिली थी। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका की जो टीम है इनकी रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो प्लेयर यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो रिजा हेंड्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर 9 का एवरेज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। टोनी जी जॉर्जी की बात करें तो 11 का एवरेज है। मार्करम का 13 का एवरेज है, 1 ही विकेट लिए हैं। ट्रेसान स्टॉप्स का भी कुछ खास नहीं है, तो इनके टॉप ऑर्डर का भी एवरेज लगभग सेम है जैसे साउथ अफ्रीका का था। और वैन मुल्डर का 52 का एवरेज है एक ही मुकाबले में। फ्लुकवायो का दोस्तों 3 विकेट तो लिए हैं तो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी बॉलिंग में भी देख सकते हैं लुंगिनिगिडी 2 मुकाबले में 3 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और पूरा हेड टू हेड स्टैट्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्बा बबुंगा का चांसेस है दोस्तों खेलने का, बैटिंग सेक्शन से आएंगे तो दोस्तों मिडल ऑर्डर में, या ओ बार्टमैन खेल सकते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो इनका रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो यह है दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन, जो हमारे कप्तान रहेंगे वो एडन मार्करम रहेंगे, वाइस कप्तान अजमतुल्ला उमर जाई, और आप लोग बॉलर्स को कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे प्लेयर को कर रहा हूँ जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। विकेट कीपर से ट्रेसान स्टॉप्स और आर गुरबज को मैंने लिया है, केवल एक बैट्समैन रिजा हेंड्रिक्स को मैं ले रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे बैट्समैन फ्लॉप चल रहे हैं और उतना कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। ऑलराउंडर्स में वियान मुल्डर को मैंने लिया है, अजमतुल्ला उमर जाई, मोहम्मद नबी और मार्करम। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने कोई भी बैट्समैन को नहीं लिया है। यहाँ पर दोस्तों मार्करम, रिजा हेंड्रिक्स और ट्रेसान स्टॉप्स तीन मैंने टॉप ऑर्डर का प्लेयर लिया है जो कि हमारे साउथ अफ्रीका की तरफ से हैं। इधर से अजमतुल्ला उमर जाई और आर गुरबज और मोहम्मद नबी, ये तीनों दोस्तों बैटिंग करेंगे टॉप ऑर्डर में। और बॉलिंग से मैंने यहाँ पर गजामफर को लिया, फैजल फारूकी, लुंगिनिगिडी और राशिद खान। और जो हमारे यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादातर फोकस करना है ऐसे खिलाड़ी के ऊपर जो कि इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस मुकाबले में दोस्तों ज़्यादा चांसेस है अच्छा परफॉर्मेंस करने का एडन मार्करम के ऊपर, और मैंने मोहम्मद नबी के ऊपर फोकस किया है गुलाबुद्दीन नैब की जगह पर, क्योंकि मोहम्मद नबी एक्सपीरियंस वाले हैं तो दोस्तों इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारे यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी के ऊपर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया मार्करम, मोहम्मद नबी, ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, और बॉलिंग से दोस्तों यहाँ पर आप लोग एन खटोरे के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।